हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल हिमांशु व्लॉग्स। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे वोट्स के थ्रू बताया था कि इस बार की वीडियो लोकल ट्रैवल के ऊपर होनी चाहिए, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ सीधे दिल्ली एनसीआर के नज़दीक एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप आ सकते हो, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताऊँगा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के आसपास आपको क्या क्या अच्छी जगहें मिल सकती है खाने के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर लंच के लिए। तो गाइस, जो बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का वो सुबह का टाइम है, बिकॉज नेचर व्यूज भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। सो गाइस, हम लोग आंगन ढाबा से निकल गए हैं और थैंक्स टू मिस्टर लकी। सो ये यहाँ पे आंगन जो रेस्टोरेंट है उसे ओन करते हैं और ये हमें लिफ्ट दे रहे हैं वहाँ तक, बिकॉज वहाँ से बाइक से बहुत नजदीक है। हम लोग हेलमेट वगैरह कैरी नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। और गाइस, मेरे साथ पीछे बैठे हैं पुलकित भाई और इधर पुनीत भाई बैठे हैं। हम लोग पहुंच गए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और अभी यहाँ पे हमें टिकट लेना है, बाकी पार्किंग में अपने गाड़ियाँ बाइकें सबने पार्क कर दी है। सो गाइस, बहुत ही सस्ता टिकट है, मेरे पीछे टिकट काउंटर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ₹5 सिर्फ टिकट है, काफ़ी चीप है। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है पिकनिक करने के लिए, एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी आप इसे बोल सकते हैं। सो गाइस, हमने एंट्री कर ली है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप खुद पैदल पैदल चले जाइए एक्सप्लोर करने के लिए अगर आपके साथ बच्चे हैं, और अगर आप लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी को भी ले सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आप बुक कर सकते हैं जो कि ₹200 में मिलता है और उसमें 5 लोग मैक्सिमम बैठे। भाई लोग, यहाँ पे अभी आपको वो जो दिख रहे हैं उधर बहुत सारे, वो कॉमन टील है। कॉमन टील उधर, कॉमन टील है इधर, किंगफिशर है, और कुछ जो आपको नीचे है काले दिखेंगे, दो वाटर कॉक्स, कोरा उनको हिंदी में कोरा बोलते हैं, वो रे कॉमन टील जो वहाँ ऊपर है। प्रियांशी, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? सेकंड। कौन से स्कूल में? मार्शी दयान। यहाँ पे क्या देखने आए हो आप? बर्ड्स देखने आए हो ना? हेलो बोल दो। हेलो हेलो करो, ऐसे हाय। आप YouTube में आने वाले हो? बाय बाय। बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इतने को तो मैंने कभी एक साथ देखा भी नहीं और ना मैं सबका नाम जानता हूँ। बट सीरियसली, अगर किसी गाइड को आप लेकर आओगे तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। वाओ, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, और प्लस अगर आपके पास अच्छे लेंसेज हैं तो वो सारी बर्ड्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे, बट आपके आजू बाजू में काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो बर्ड्स की आवाज़, आपको चारों ओर अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग मेरे राइट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ पे एक लेक सी है, बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो सारी बर्ड्स यहाँ पे इकट्ठा हो रखी हैं आके। और जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे एक पॉइंट है जहाँ से आप लोग ऊपर से फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग चले जा रहे हैं और चलते चलते बज गए हैं 12 और धूप भी हो गई है बहुत तेज और भूख भी लगी बहुत जोरों से। और बाकी यहाँ से बहुत आगे एक पूरा ट्रैक है, यहाँ से पूरा घूम के आगे जाना पड़ता है, दूसरी तरफ से आप लोग निकल सकते हैं। उसके लिए आप लोग वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा भी बुक कर सकते हो, अदरवाइज पैदल भी आ सकते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पर एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अशोक कुमार, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से।
और यहाँ की अपनी लोकल महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं विद हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनिक। जैसे हमारे पास एक नेचर हनी है, हनी यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है हमारा। दूसरा बाजरे के लड्डू, ऑर्गेनिक दलिया भी होता है। और दूसरा हमारा ये लोकल की महिलाएं हैं, बहनें होती हैं या जो हमारे वन विभाग के साथ अटैचमेंट है और हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती है और हम यहाँ सील करते हैं। तो गाइस बर्ड सेंचुरी के बाहर आप लोग यहाँ पे चाट और शकलगंजी का आनंद ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे घुड़सवारी भी होती है। ये लोग 100 रुपीज पर हेड के हिसाब से घुड़सवारी कराते हैं। सो गाइस हम लोग बर्ड सेंचुरी से वापस आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधे नाश्ता करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट पे हम रुके हुए हैं उसका वॉक थ्रू दे देता हूँ, और जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ का मेन्यू और प्लस यहाँ के खाने का रिव्यू भी आपको दूंगा। सो गाइज ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो बेसिकली बाइकर्स के लिए और फैमिली के लिए और बच्चों के लिए सबके लिए बढ़िया है। काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, इतना ज़्यादा स्पेस है आप लोग। और मैं आपको, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का व्यू यहाँ कैसा है बाहर से दिखने में लोकेशन वाइज। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे हाईवे के जस्ट बगल में ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है और अंदर भी काफ़ी स्पेसियस है। अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं धूप में बिकॉज ठंडी हो रही है, और यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। हेलो गाइस। हेलो। तो गाइस ये है जिक्सर क्लब दिल्ली, और सम्मान भाई कहाँ इधर आओ। ये है इस क्लब के करता धरता फाउंडर करता था भाई, आप लोग भी हो सब, हमारे चिंगारी भाई द जिक्सर गाय। इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही होगी यहाँ पे, फॉलो हिम, डू सब्सक्राइब हिज चैनल प्लीज प्लीज प्लीज। सो गाइस पोहा आ चुका है, हम लोग पोहा से स्टार्ट कर रहे हैं। और पुनीत भाई कैसा है यहाँ पे पोहा वगैरह का कैसा है? पोहा कैसा लगा आपको? छोले भी आ गए एकदम, छोले भटूरे और पोहे, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो गाइस अगर आप लोग सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आ रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आंगन होटल पे आइए। काफ़ी अच्छा फूड है, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट हमने किया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे आपको। लकी भाई मिल जाएंगे, और लकी भाई मेरे जो सब्सक्राइबर आएंगे उनका भी डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। जो भी बाइकर जाएंगे GST नहीं, जितना भी जो भी बाइकर लगाएगा सबको डिस्काउंट देंगे जी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो या बाइकिंग ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। काफ़ी अच्छा स्पेस भी है और काफ़ी इवेंट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉमेंट डाउन बिलो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। ऐसी ऑप्शन जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। हेलो भाई थोड़ा रुक जाओ यार, रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, 5 मिनट शांत हो जाओ यार। सो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुल्तानपुर